एक्ट 2016 पर जारी चर्चा के 37वें एडिशन में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दी 36th एडिशन ऑफ ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। पिछले एडिशन में हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के चैप्टर को ख़त्म किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि जो असेसमेंट की गाइडलाइंस हैं डिसेबिलिटी असेसमेंट की उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आज भी उस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा और संभवतः कल करूंगा। तो हम अगले चैप्टर पर चलते हैं और अगला चैप्टर चैप्टर 11 है, वो केंद्रीय व राज्य सलाहकार परिषद दिव्यांगता पर जो उसके उससे संबंधित है, और साथ ही साथ इसी चैप्टर में जिला स्तर समिति से संबंधित भी प्रावधान हैं। तो सेक्शन 60 जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड केंद्रीय सलाहकार परिषद दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान हैं इसमें सेक्शन 60 में। उस पर आने से पहले सेक्शन 65 में सेंट्रल जो केंद्रीय सलाहकार परिषद है उसके जो कार्य दिए गए हैं और उसकी शक्तियां जो दी गई हैं उससे उसमें साफ साफ उल्लिखित है कि ये केंद्रीय सलाहकार परिषद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता की नीतियों से संबंधित उनके कार्यक्रमों से संबंधित एक सलाहकार परिषद के रूप में काम करेगी और साथ साथ वह दिव्यांगता से संबंधित नीतियों कार्यक्रमों का लगातार मूल्यांकन भी करेगी। तो इस हेतु ये केंद्रीय सलाहकार परिषद गठित हो रही है और इसी तरह गठित होने का प्रावधान इसमें किया गया और इसी तरह की राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद के गठन की भी बात कही है। तो अब ये केंद्रीय स्तर पर सलाहकार परिषद जो है उसका गठन संबंधी जो प्रावधान है सेक्शन 60 का उपखंड 1 यह व्यवस्था करता है कि केंद्रीय सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक ऐसी परिषद का गठन करेगी जिसे केंद्रीय सलाहकार परिषद दिव्यांगता से संबंधित या दिव्यांगता से संबंधित केंद्रीय सलाहकार परिषद कहा जाएगा या उसके इस नाम से जाना जाएगा और यह केंद्रीय सलाहकार परिषद वो सारी शक्तियों का उपयोग कर सकेगी और वे सारे कार्य कर सकेगी जो इसको इस कानून के अंतर्गत असाइन है जो इसके लिए निर्धारित है। तो उपखंड 1 केंद्रीय सलाहकार परिषद के गठन का अधिकार केंद्रीय सरकार को देती है। उपखंड 2 में बताया यह व्यवस्था है कि इस परिषद में कौन कौन होंगे। तो इसके मुताबिक केंद्रीय सलाहकार परिषद में सबसे पहले ए कौन होगा, जो दिव्यांगता से संबंधित विभाग है उसका जो मंत्री है उसके लिए जो मंत्री नामित हुआ है अर्थात दिव्यांगता से संबंधित विभाग का मंत्री केंद्रीय सरकार में वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, इसका एक्स ऑफिशियो पदेन अध्यक्ष होगा। तो इस परिषद का पदेन अध्यक्ष दिव्यांगता संबंधी विभाग का केंद्रीय मंत्री होगा।
दूसरा इसमें कौन होगा? जो राज्य मंत्री है वो तो पहला कैबिनेट मंत्री केंद्रीय सरकार का, जो दिव्यांगता से संबंधित विभाग का केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। दूसरा जो दिव्यांगता से संबंधित विभाग का राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में, वो उसका उपाध्यक्ष होगा, वाइस चेयरमैन पदे। तीसरे इसमें कौन होगा? तीसरी श्रेणी आती है तीन सांसद, सांसदों में से नामांकित तीन सदस्य जिनका नामांकन, और नहीं, और इन तीन में से दो लोकसभा से चयनित होंगे और एक राज्यसभा से चयनित होंगे, ये भी एक्स ऑफिशियो पदेन होंगे, ताकि दोनों सदन हैं संसद के, दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व, दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से, तीन में से। चौथी श्रेणी में कौन होगा? चौथी श्रेणी में सभी केंद्रीय सलाहकार परिषद में सभी राज्यों के दिव्यांगता से संबंधित विभाग के मंत्री होंगे, सभी राज्यों के, या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके, यानी मतलब और एक तो जो राज्य हैं उनके वो सारे मंत्री होंगे जो दिव्यांगता से संबंधित विभाग के मंत्री हैं, और केंद्रीय और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित क्षेत्रों के कौन होंगे? प्रशासक या उपराज्यपाल। वो भी पदेन सदस्य होंगे। नेक्स्ट, अब अभी आपने देखा, अभी पॉलिटिकल पूरा रिप्रेजेंटेशन है इसमें सलाहकार परिषद में, अब आप ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें। भारत सरकार के दिव्यांगता से संबंधित विभाग के सचिव, सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, स्कूल शिक्षा और शिक्षण के सचिव, उच्च शिक्षा के सचिव, महिला व बाल विकास विभाग के सचिव, एक्सपेंडिचर व्यय विभाग के सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, ग्रामीण विकास के सचिव, पंचायती राज के सचिव, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग के सचिव, शहरी विकास के सचिव, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन विभाग के सचिव, विज्ञान व तकनीक विभाग के सचिव, संप्रेषण व सूचना तकनीक विभाग के सचिव, कानूनी मामलों के विभाग के सचिव, सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग के सचिव, युवा कल्याण व खेल विभाग के सचिव, सड़क व यातायात और हाईवेज के सचिव, सिविल एविएशन के सचिव, ये सब पदेन सदस्य हुए। आपने देखा,
सभी महत्वपूर्ण विभागों के सचिव, इसमें पदेन सचिव, पदेन सदस्य रखे गए। अगली श्रेणी जो आती है नीति आयोग के सचिव, ये भी पदेन सदस्य होंगे। फिर अब आ जाते हैं दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न एजेंसीज को, अध्यक्ष पुनर्वास परिषद, भारत पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी पदेन सदस्य होंगे। फिर नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे। फिर नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे। फिर आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक भी पदेन सदस्य होंगे। इसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी पदेन सदस्य होंगे। रोजगार व प्रशिक्षण के डायरेक्टर जनरल भी लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रोजगार प्रशिक्षण के डायरेक्टर जनरल भी पदेन सदस्य होंगे। फिर NCERT के डायरेक्टर भी पदेन सदस्य होंगे। फिर NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे। और इसके बाद ये जो हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं डिसेबिलिटी से संबंधित, उनके डायरेक्टर्स, निम्नांकित इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर पदेन सदस्य होंगे, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड न्यू दिल्ली, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड साइंसेज बेंगलोर, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली, ये सब पदेन सदस्य होंगे। अब इसके बाद वो श्रेणी आ रही है जिसमें जो नॉन गवर्नमेंटल या नॉन ऑफिशियल लोग होंगे जिसको केंद्र सरकार, तो निम्नांकित श्रेणी में केंद्र सरकार सदस्यों का नामांकन करेगी। सबसे पहले इस श्रेणी में आता है ऐसे 5 सदस्य जो दिव्यांगता के क्षेत्र में और उनके पुनर्वास के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से ऐसे 5 सदस्यों को नामांकित करेगी कौन, केंद्र सरकार। दूसरी श्रेणी है 10 ऐसे सदस्यों को जो जहां तक संभव हो स्वयं दिव्यांग हो उनको केंद्र सरकार नामांकित करेगी, किस लिए करेगी, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो एनजीओस हैं जो डिसेबिलिटी से संबंधित, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या डिसेबल्ड पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 लोग। लेकिन इसमें एक शर्त है, बशर्ते कि इन 10 मेंबर्स में से कम 5 सदस्य वीमेन और उनमें से भी 1 सदस्य कम से कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से,
सो 10 सदस्य, 5 सदस्य एक्सपर्ट, 10 सदस्य एनजीओ के। उसके बाद 3 सदस्य तक, 3 प्रतिनिधि तक जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उनके प्रतिनिधि, और लास्ट में जो दिव्यांगता की नीति, दिव्यांगों से संबंधित नीति को डील करने वाले जो विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव, वे इसके सदस्य सचिव के रूप में पदेन। तो अब आपने इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जहां एक और राजनीतिक नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्तर के केंद्रीय स्तर पर दिव्यांगता से संबंधित मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और उनके राज्य मंत्री हैं, वहीं सभी राज्यों के दिव्यांगता से संबंधित मंत्री हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं। सेक्रेटरी सभी महत्वपूर्ण विभागों के हैं। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित एजेंसीज के चेयरमैन हैं, NCERT हो, स्कूल एजुकेशन से संबंधित हो, और आपके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन हो, आदि आदि। फिर NGOs का और DPOs का रिप्रेजेंटेशन है, फिर एक्सपर्ट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से ये काफ़ी बृहद सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी बोर्ड बनाया गया, और ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कहीं ना कहीं इस जो इस एक्ट का जो सिद्धांत है, कंसल्टेशन NGOs और डिसेबल्ड से होना चाहिए नीतियों के संबंध में, उसको पूरा करने के लिए रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास NGOs, DPOs को 10 मेंबर के लिए 5 जो एक्सपर्ट होंगे वो भी मान लीजिए कि कुल मिला के उन्हीं में से होंगे, तो 10, 5, 15 लगभग तो रिप्रेजेंटेशन नॉन ऑफिशियल्स का मिला है। नाउ फ्रेंड्स, एज आई सेड, चैप्टर 11 डील्स विद सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आर कंसीव्ड एज द एडवाइजरी बॉडीज सो फार एज, इन सो फार एज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज कंसर्न्ड एट नेशनल लेवल, एंड इन सो फार एज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड इज कंसर्न्ड एट द रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल, टू एक्ट एज अ एडवाइजरी body and also to continuously evaluate the policies and programs related to disability. Now section 60 deals with the composition or constitution of the central advisory board. Section 60 subsection 1 provides that the central government shall constitute by a notification a central advisory known to be known as central advisory board. Subsection 2 deals with the composition of the central advisory board, and you will find that here there is a good representation of political leadership, of bureaucratic at the highest level, the expert bodies in different fields including disability, and also the representation of persons with disabilities and disabled persons organization, so that the body has a
the board has a proper representation, and also they may play a real and representative advisory role in improving and formulation and improvement of policies and programs pertaining to persons with disabilities, including the monitoring and evaluation thereof. Now, what is the composition? It shall consist of, number one, the minister in charge of the Department of Disability Affairs in the central government, and he will act as chairperson of the board. Second, minister of state. First was cabinet minister. Second is minister of state in charge of disability department in the central government to act as vice chairman ex officio. Third is three members of parliament, out of which two shall be from Lok Sabha and one shall be from Rajya Sabha. They will also be ex officio member. Now, then fourth, we are still continuing with political representation. Fourth is the ministers in charge of disability affairs in all state governments, and also the administrators or lieutenant governors of union territories. So these are four different political, different type of political representations, right from the central government to the parliament and to the state governments. Now, next E deals with the bureaucratic representation, and according to them, it you will see that all major departments, the secretaries of all major departments, are included in the board as ex officio members. And the secretaries of which department? The following departments have been included here. First is, of course, the secretary of the government of India in charge of ministries or departments of disability affairs. Second is Secretary Social Justice and Empowerment. Third is Secretary School Education and Literacy. Third is Secretary Higher Education. Fourth is Women and Child Development. Fifth is Secretary Expenditure. Sixth is Secretary Personnel Training and Administrative Reforms and Public Grievances. Sixth is Secretary Health and Family Welfare. Seventh is Secretary Rural Development. Eighth is Secretary Panchayati Raj. Ninth is Secretary Industrial Policy and Promotion. Next, 10th is Secretary Urban Development. 11th is Secretary Housing and Urban Poverty Alleviation. 12th is Secretary Science and Technology. 13th is Secretary Communication and Information Technology. Next is Secretary Legal Affairs, then Secretary Public Enterprises, then Secretary Youth Affairs and Sports, then Secretary Road, Transport and Highways, and then Secretary Civil Aviation. All these secretaries are members as ex officio members. Now, we are now going to the next is very important. This is also Secretary National Institute of Transforming India, that is called NITI Aayog, which is now in place of Planning Commission. Then we are now going to the expert bodies in different fields. Next is Chairperson Rehabilitation Council of India, member ex officio. Next is Chairperson National Trust for the Welfare of Persons with Autism
सर्बल पालसी, मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, दे आर ऑल्सो मेंबर एक्स ऑफिशियो. नेक्स्ट इज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ही इज ऑल्सो मेंबर एक्स ऑफिशियो ऑफ दिस बोर्ड. देन चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ही इज ऑल्सो एन एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट चेयरमैन रेलवे बोर्ड, एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट इज डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, एज ऑल ऑफ यू नो, एज एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट चेयरपर्सन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एक्स ऑफिशियो मेंबर, NCTE. नेक्स्ट चेयरपर्सन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट चेयरपर्सन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स, नाउ दीज इंस्टीट्यूट्स आर रिलेटेड टू डिसेबिलिटी फील्ड. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकंदराबाद. पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, न्यू दिल्ली. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुंबई. नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता. नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक. नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, चेन्नई. नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड साइंसेज, बेंगलोर. नेक्स्ट इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, न्यू दिल्ली. ऑल दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. नेक्स्ट नाउ दिस नाउ नेक्स्ट विच इज आर इट इज नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड और द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. सो